हे गाइस, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। तो आज हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में। जी हाँ, तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के, जिनको एडमिशन लेना है, उनको मैं बताता चलूँ कि एडमिशन जो लिंक है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। 30 जून आपका लास्ट डेट है। हालांकि ये लास्ट डेट एक्सटेंड होगा, डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, बट फिलहाल एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अभी एडमिशन करवा सकते हैं। बीकॉम के थर्ड ईयर के स्टूडेंट, जब तक अपना रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप करा नहीं पाओगे। तो अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन, जब रिजल्ट आ जाए तो फिर आप करा लेना। ये एडमिशन प्रोसेस कम से कम सेप्टेम्बर अक्टूबर तक तो खींचेगा ही, ठीक है ना? मैं ज्यादा बोल गया आई गेस। अगस्त सेप्टेम्बर तक तो खींचेगा ही, हो सकता है अक्टूबर तक भी चला जाए, बट यू विल हैव सफिशियंट टाइम टू फिल अप द यू नो ये जो एप्लीकेशन है वो। सो डोंट वरी अबाउट इट, आप अपना तैयारी करते रहो। एंड जिनको एम कॉम करना है वो तो भाई फटाफट आकर के अपना फॉर्म फिलअप कर लो। तो ये जो पेज मैंने खोल करके रखा है, ये मैंने इसलिए खोल के रखा है ताकि आपको जानकारी मिल पाए कि भाई फॉर्म फिलअप जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो कम एंड एज सून एज पॉसिबल आप इसको फिलअप कर लो, जो कर सकते हो। जो नहीं कर सकते, अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यू विल गेट योर टाइम, ठीक है ना? अपना टाइम आएगा, बट टिल देन आप अपडेट्स लेते रहो, ठीक है ना? सारी चीजों के ऊपर अपडेट्स लेते रहिए आप, वो सही रहेगा। और ये जो वेब पेज मैंने खुल खोल के रखा हुआ है, ये ODL मोड वाले के लिए है, ठीक है ना? तो जो ऑनलाइन में कोर्सेज करना चाह रहे हैं, बीकॉम या एमकॉम या कोई भी इग्नू का अदर कोर्सेज, उनके लिए भी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी 30 जून का लास्ट डेट है, और जो लोग ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, मतलब ODL, ODL मोड जो हमारा होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन तो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो दोनों ही ओपन कर दिया गया है। कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर के है, तो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा क्या है फंडा। मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑफलाइन में सारी चीजें जो है आपका किसी एक स्टडी सेंटर में होगा, आपको वहां विजिट करना होगा फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट एंड वेरियस थिंग्स, है ना, जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहे। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन में सारी चीजें आपको ऑनलाइन ही करनी है, ठीक है ना? असाइनमेंट भी इवन आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। सारी की सारी चीजें जो है ऑनलाइन होगी। आपको एक पर्टिकुलर आपका एक डैशबोर्ड दिया जाएगा आपको, जहाँ पे सारी चीजें जो है आप ट्रैक कर पाओगे। आपको बुक्स वगैरह ऑनलाइन वाला जो बुक्स है, ऑब्वियसली ऑफलाइन में ऑफलाइन का बुक्स आता है, लेकिन ऑनलाइन में ऑनलाइन का बुक्स में आपको PDF सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगा। तो वहां से सारी चीजें आप एक्सेस कर पाओगे। वो एक विंडो रहेगा, एक वेबसाइट रहेगा, जहां से सारी की सारी चीजें आप कर पाओगे। तो बहुत आसान है वो भी। तो ODL और ऑनलाइन दोनों ही अभी इग्नू ने स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी जिस भी फॉर्मेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है? जिनको लेना है अभी, जिनको अभी नहीं लेना है, आप वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। जैसे ही आ जाएगा आप अपना रिजल्ट ले, आई मीन एडमिशन ले सकते हैं। सो यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज व्हिच आई वांटेड टू कन्वे टू एवरीबॉडी। एंड इसके साथ मैं ये भी बताता चलूं कि री रजिस्ट्रेशन जो है आपके अगले साल में जो एडमिशन होता है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो कोई बंदा अगर एडमिशन कराना चाह रहा है तो फटाफट जाकर के अपना सेकंड ईयर में एडमिशन ले लो। अगर आपका एक साल हो गया है तो सेकंड ईयर अगर कंप्लीट हो गया तो थर्ड ईयर में एडमिशन ले लो। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया, आप एलिजिबल हो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए, तो आप ले लो, ठीक है? वेट मत करो, एग्जाम तो चलते रहेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम का वेट करोगे तो फिर 6 महीने और लग जाएंगे कोर्स को कंप्लीट होने में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है तो आप कर लो, ठीक है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ओके, और व्हाट्सएप मी, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है? सो दिस इज द अपडेट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा, कैसे अप्लाई करना है, देखो यहाँ पे एक एप्लीकेशन कैसे करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक वीडियो है। तो बिना इधर उधर माथा अपना परेशान हुए, आप चुपचाप जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे करना है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ओके? सो विदाउट फर्दर अडू, गो फॉर इट, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।